सोशल मीडिया पर एक ही नेता के दो वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज के बीजेपी विधायक भूपेश चौबे पिछले 5 साल की गलतियों का माफ़ी मांग रहे हैं। पहले वीडियो में जब कान पकड़कर उठ बैठ कर रहे हैं मंच पे, तो दूसरा वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी विधायक भूपेश चौबे जो है वो जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो मतदाता एक बुजुर्ग की तस्वीर देखे, एक बुजुर्ग के पैर में मालिश कर रहे हैं, तेल लगाते नजर आ रहे हैं। कहते हैं जब चुनाव आता है तो नेताजी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कई तस्वीरें ऐसी भी निकल के आती है जब नेताजी पैर छूते हुए नजर आते हैं, बाकी के 5 साल जो है फिर नेताजी दिखाई नहीं देते, ऐसा कहा जाता है, लगातार सुनने को भी मिलता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश का ये वीडियो बीजेपी विधायक भूपेश चौबे का वीडियो है। पहला वीडियो जो है उसमें भूपेश चौबे मंच पे सभा में कान पकड़कर उठ बैठ करते नजर आ रहे हैं और जनता से बीते 5 साल में जो गलतियां हुई हैं उनकी माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से मौका उन्हें दिया जाए। हालांकि जो उनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो उनके पक्ष में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और दूसरा वीडियो जो अपने क्षेत्र में जाते हैं यानी कि रॉबर्ट्सगंज में जाते हैं बीजेपी विधायक भूपेश चौबे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैर में मालिश करते हुए नजर आते हैं। यूँ कहा जाए तो नेता और जनता का रिश्ता भी वाकई में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है क्या? आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि क्या ऐसा नेताजी आपके साथ करते हैं? बिल्कुल नहीं करते होंगे। ये चुनाव के वक्त ही नेताजी को जनता की याद आती है, जनता के पैर पकड़ते हैं, अपने कान पकड़कर उठ बैठ करते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार हर मंच से विकास की बात करते हैं और कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। अगर योगी जी ने विकास किया है तो फिर आखिर उनके विधायक भूपेश चौबे क्यों कान पकड़कर उठ बैठ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माफ़ कीजिए, जो गलतियां हुई हैं उसको माफ़ कीजिए, उसको भूल जाइए, माफ़ी मांग रहे हैं, एक बार और मौका दे दीजिए। खैर, दोनों वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं, देखते हैं लाइन्स भैया, नमस्कार। नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं ठीक बात, लेकिन हाथ दर्द ऑपरेशन, हाँ ठीक है।